कस्बा पाली में पार्षदों की शिकायत पर आई अपर जिलाधिकारी अनिल मिश्र ने निर्माण कार्य की नब्ज टटोली। वार्ड नंबर 8 में पुस्तकालय निर्माण में अनियमितताएं पाए जाने पर ठेकेदार का 10% भुगतान रोकने के निर्देश दिए। कस्बे में बस स्टैंड से रेंज चौकी तक सड़क को गड्ढा मुक्त किया गया था, जिसमें ठेकेदार द्वारा रस्म अदायगी की गई थी। लोगों ने शिकायत की थी कि गड्ढा मुक्त सड़क का काम चल रहा है। ठेकेदार और जेई की मिलीभगत से कस्बे में मानकों को ताक पर रखकर निर्माण कार्य करती रही। नगर पंचायत जेई 15 वर्षों तक एक ही स्थान पर जमी रही मानकों को ताक पर रखकर निर्माण कार्य कराती रही, लेकिन विभाग द्वारा निर्माण कार्यों को लेकर कार्यवाही न होने के कारण घटिया निर्माण करवाती रही। लोगों ने नगर पंचायत में 5 साल में हुए विकास कार्यों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। वहीं ADM ने हजारिया महादेव मंदिर पर माथा टेका, साथ ही मंदिर के पास बने चंद बावड़ी पर जाल लगाने के निर्देश दिए। जगदीश चौरसिया की शिकायत पर सफाई करने के निर्देश दिए। वहीं 4 माह से फॉगिंग नहीं होने से कस्बा में मच्छरों का प्रकोप चल रहा है। लोगों ने फॉगिंग मशीन चलाने की मांग की है। इस मौके पर SDM पाली अनिल कुमार, तहसीलदार अभिषेक यादव, नगर पंचायत अध्यक्ष राम कुमार चौरसिया, नगर पंचायत पाली पूर्व जेई गिरिजा शंकर दुबे आदि लोग उपस्थित रहे। अरे नहीं हो रहा माने ऐसी स्थिति हुआ करना अपने यहाँ नहीं है, केयर है हमारा, सफाई करा के देख लो आप, नहीं निकल रहा था, आप देख लो आप देख लो दिक्कत का नाम है। आपका नाम क्या नाम है आपका? जगदीश। कहाँ के निवासी है? पाली। क्या समस्या है? पानी भर रहा, कोरोना से ज्यादा दिक्कत हो रही। कहाँ? हजारिया महादेव मंदिर से थोड़े आगे पुड़िया के पास। आपने शिकायत की? ADM साहब से आज ही जो शिकायत की। क्या बोली? बोले सोमवार तक अगर सुनवाई नहीं होगी तो तुम मुझसे बात करना। पानी क्यों भर रहा है यहाँ पर? क्या समस्या, कैसे भर रहा है? अवसर वो सीसी पानी भर रहा है, कैसे पानी नहीं करवा नहीं भरे पूरा, और सीसी साइड डला, इसकी वजह से वो साइड ऊंचा हो गया, साइड नीचा हो गया। वहाँ नाली नहीं है? नाली कुछ नहीं है। कैसे डाल दी? कैसे? ऐसा ही है सब। जैसे कहा? कहा था जेही से मोहल्लों वालों ने, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्या नाम था जेही का? जेही है। अरे अब जीने डरवा